बच्चा देखो कैसा रिएक्शन दे रहा है, घूम के देख रहा है, देखो घूम के देख रहा है, पता नहीं क्यों क्या चला रहा है भाई ये बंदा, जिसने फुल ब्लैक पेंट हुआ है। सो देख सकते हो कैसा लग रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लाइफस्टाइल व्लॉग। आज आपके लिए लाया हूं एक न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं, मेरा बाइक का कूलेंट देख ही सकते हो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। तो एंड गर्मी का सीज़न भी आ गया है, मतलब पड़ गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है हम लोगों के इधर। तो इसी कारण के लिए बार बार रेडिएटर चालू हो रहा है, तो इसी कारण के लिए ज़्यादा ख़त्म हो रहा है कूलेंट। तो इसी कारण के लिए मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ कूलेंट को टॉप अप करने के लिए। एंड कितना खर्चा आएगा आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक लीटर का आता है जार, तो वो ले लेता हूँ, तो वही सही रहेगा। तो जाके देखते हो। तो अभी फ़िलहाल जा रहा है देबूदा के शॉप में, तो चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे। सो गाइस, आ तो चुका हूँ मोटो ब्लॉक सेटअप पे। तो इधर पे इतना जैम क्यों है पता नहीं, बहुत ज़्यादा जैम है इधर, देख ही सकते हो। बारिक रुका दो, गाड़ी छिलो ना। কি বলছিস? লাগছে নাকি মেটার গায়ে? মেটার গায়ে লাগছে? আরে হেডফোনটা খোলো কানের থেকে, হেডফোন লাগা রেখে দিছে গানের মধ্যে। সো গাইজ, আমি তো ফিলহাল যা রাও দেবুদা কে শপ মে। তো রাস্তে মে দেখ সকতে হো কেসে কেসে লোক মিল জাতা হ্যায়। কুলেন্ট কো ডলবানা বহুত জ্যাদা জরুরি হ্যায়, বহুত জ্যাদা হিট হো রাহা হ্যায় বাইক মে, ক্যুকি বহুত জ্যাদা গরমি পড় গয়া হ্যায় হাম লোগো কে ইধর, ইসি কারণ কে লিয়ে বহুত জ্যাদা কুলেন্ট খতম হো রাহা হ্যায়। কুছ দিন পহলে হি মে কুলেন্ট ভরওয়ায়া থা, তো ইতনা জলদি কিউ খতম হো রাহা হ্যায় পতা নেহি, एक बार चेक भी करवा लूँगा। एंड शायद से सौरभ भी उधर है, तो आप लोगों को सौरभ का बाइक भी एक बार आप लोगों को दिखा दूँगा। देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रोद है, मतलब कितना ज़्यादा धूप है, रोद बोल रहा हूँ मैं फिर से कमेंट कर देगा, दादा तुमने रोद बोला है धूप को, वो धूप होता है। तो छोड़ा उधर गया है, उसका बाइक का शायद से थॉटल बॉडी क्लीन होगा, मतलब कार्बोरेटर क्लीन होगा, क्योंकि मिसिंग मर रहा है बाइक। एंड गाइस, जलपाईगुड़ी में मोटो ब्लॉगिंग बहुत ही टाफ है, जलपाईगुड़ी बोलो या हर जगह पे मोटो ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा टाफ है। आप लोग को ऐसे कैमरा लेके निकल जाना है, उसके बाद कंटेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड कोई आपके पास मतलब नॉर्मल व्लॉग जो होता है वो कैमरा के सामने देख के बात करते हो, एंड ये जो है ये आप लोग देख ही सकते हो हेलमेट में मोबाइल को माउंट करने के बाद आप लोग बक 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 करते ही रहते हो। बहुत लोग तो पागल ही समझते हैं। मेरे घर के उधर का लोग तो समझते हैं ये बंदा हेलमेट में ये क्या लगा के घूमता है, उन लोगों को अभी तक पता नहीं है ये कैमरा है। मेरे यूट्यूब से अच्छा खासा ब्रांड प्रमोशन आ रहा है, ठीक है इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, लेकिन जो बार्टर कोलैबोरेशन मतलब फ्री का कोलैबोरेशन आ रहा है, जब वो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोलैबोरेशन आ रहा है, लेकिन जो पेड कोलैबोरेशन है वो मैंने 2 या 3 किया हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे नहीं किया हूँ। तो मुझे लगता है मैं ही एक छोटा क्रिएटर हूँ जिसको इतना सारा कोलैबोरेशन मिलता है। क्योंकि मुझसे भी अलावा बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, उनको अभी तक एक भी कोलैबोरेशन नहीं मिला है, पता नहीं क्यों है कैसा है। एंड मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं करता हूँ, मतलब ब्रांड के साथ ब्रांड खुद से मेल करता है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ ऐसे ही। मैं अभी तक आज तक यूट्यूब खोलने के बाद अभी तक एक भी मैंने ब्रांड को टेक्स्ट नहीं किया कोलैबोरेशन के लिए, जो भी आया सब मेरे मेल पर आया है, पता नहीं कैसे मेल मिल जाता है मेरा।
एंड मैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल नहीं देता हूँ, तो पता नहीं कैसे ही मिल जाता है उन लोगों को मेल। आज भी एक कोलैबोरेशन आया, तो इसी कारण के लिए मुझे याद आया, इस कारण लिए मैं आप लोगों के साथ बात किया इस टॉपिक पे। जो कोलैबोरेशन आया वो अमेज़न पे आया। तो बहुत दिन बाद आज देवूदा के शॉप में जा रहा हूँ मैं। दो दिन तो बिजी रहूँगा, दो तीन दिन वेडिंग का काम है एक तारीख से, 30 तारीख से। तो उसी कारण के लिए मैंने सोचा आज ही भरवा लेते हैं, आज ही सही टाइम है। तो शायद से फका है, एकदम फका है देवूदा के शॉप। तो शोरूम भी बैठा हुआ है, सो गाइस ये है ये कूलेंट। इसको फूल तो अभी नहीं ढालेंगे, हाफ ढालेंगे, मतलब देखता हूँ कितना लगता है। देख ही सकते हो एकदम ख़त्म हो चुका है, तो इसको टॉप अप करते हैं। कूलेंट तो टॉप अप हो गया है, देख ही सकते हो। तो अभी फ़िलहाल जो स्पार्क प्लग है उसको चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी बाइक स्टॉप हो रहा है पता नहीं क्यों। तो गाइस ये है शोरूम का बाइक जिसमें फुल ब्लैक पेंट हुआ है। तो अभी ये वॉश हो रहा है, वॉश के बाद मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया इस भी मतलब बाइक का, तो कैसा लग रहा है आप लोग देखो। एंड एलोविल जो है, एलोविल दूसरा कलर का है लेकिन बाइक फुल ब्लैक है। सामने से एक बार आप लोगों को दिखाते, सुना तो दिया, सो देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा शायद से इस बाइक के ऊपर ही आएगा, कितना खर्चा हुआ है फुल पेंट के ऊपर। सो गाइस देवूदा के दुकान से तो काम हो गया है, बहुत कम मतलब कूलेंट लगा है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, बहुत ही कम। वो देखो शोरूम पे देखो क्या भगा रहा है। तो शोरूम का भी काम हो चुका है लेकिन उसको फिर से आना पड़ेगा, वो एक चीज़ नहीं मिला है उसको उस कारण के लिए। तो अभी फ़िलहाल घर पर ही जा रहा हूँ, इवनिंग में शायद से निकलूँगा। सो गाइस अभी इवनिंग हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम के आते हैं एंड एक सिटी राइड का ब्लॉग शूट करते हैं। तो इसी कारण के लिए मैं निकल चुका हूँ। हो पागल आदमी नंगा घूम रहा है साला रोड पे ऐसे कौन घूमता है नंगा होके। घूम के देख रहा है, पता नहीं क्यों मोटो ब्लॉगर।
क्या चला रहा है भाई ये बंदा क्या साइकिल चला रहा था ओ बच्चा देखो कैसा रिएक्शन दे रहा है घूम के देख रहा है देखो घूम घूम के बच्चे को देखो रिएक्शन देखो अलग ही रिएक्शन मिल रहा है देखा कैसा रिएक्शन मिलता है सिटी ब्लॉग में यही एक मज़ा है कि आप लोग को बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है पब्लिक रिएक्शन तो गाइस कूलेंट देखो सिर्फ इतना सा लगा है मतलब ये जो देख सकते हो इतना सिर्फ कूलेंट लगा हुआ है ना फिर फुल हो गया है ये देखो तो इससे ज़्यादा नहीं भरवाना चाहिए ज़्यादा हो जाएगा ओवरलोड तो इसका प्राइस है 223 ठीक है तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाय।